क्या लहसुन आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाता है या नहीं, नामर्दी नपुंसकता की प्रॉब्लम को ठीक करता है या नहीं, या फिर कौन कौन सी समस्याओं को लहसुन बिल्कुल ठीक कर देता है, खाने का सही तरीका क्या है, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता, एक दिन में आप कितनी लहसुन की कली खा सकते हैं। अगर आप भी महंगी दवाइयों को परचेज नहीं कर सकते और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी ठीक करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। बस आप लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर यदि आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल से भरपूर होता है। इसमें एलिसिन और सल्फर यौगिक भी मौजूद होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो इसमें एंटी ओबेसिटी के गुण भी होते हैं जो कि आपके वजन को बहुत ही तेजी से कम करने का काम करते हैं। अगर आपको नामर्दी नपुंसकता की प्रॉब्लम है, धीरे आपका बिल्कुल पानी के जैसा पतला हो गया है, दांत चिपचिपे पानी की प्रॉब्लम है, आपके प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल भी कड़कपन नहीं आता, या फिर टाइमिंग आपकी बिल्कुल जीरो है, तो भी यदि आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब करते समय बहुत ज्यादा दर्द, जलन महसूस होती है, जब आप पेशाब करके उठते हैं तो 2 से 4 बूंदे गिरती हैं आपकी, तो ये समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से नजला, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो आपकी ये समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जोड़ों में आपके बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है, मांसपेशियों में आपकी बहुत ज्यादा दर्द होता है, गठिया की प्रॉब्लम है, जोड़ों में आपके बहुत ज्यादा सूजन है, तो आपकी ये समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी के गुण भी होते हैं जो कि आपके सभी तरह के दर्द को व सूजन को बिल्कुल ठीक करने का काम करते हैं। अगर आपका लीवर बहुत ज्यादा कमजोर है, आपको कोई भी चीज हजम नहीं होती, पाचन क्रिया आपकी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में आपके बहुत ज्यादा भारीपन रहता है, तो आपकी ये समस्या भी इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं, या फिर झुर्रियां हैं, एक्जिमा, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग हैं, तो ये समस्या भी इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप दांत खाज खुजली की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयां खा खा कर परेशान हो गए, लेकिन आपकी दांत खाज खुजली की समस्या ठीक नहीं हो रही, तो भी आप लहसुन का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी से पुरानी खुजली को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है और आप बहुत महंगी महंगी दवाइयां खा खा कर परेशान हो गए हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, तो आप लहसुन का एक बार इस्तेमाल जरूर करके देखें। इसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होने हैं, बिल्कुल फ्री में ही आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको लहसुन की 2 से 3 कली सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करनी है। आप लहसुन की चाय भी बनाकर पी सकते हैं, या फिर अगर आपसे लहसुन की कच्ची कली ना खा मिले तो आप लहसुन को भूनकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। तो आपके सीने में जलन, पेट में जलन, मुंह से आपके बहुत ज्यादा दुर्गंध आ सकती है, या फिर आपको पेट संबंधित समस्या हो सकती है। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो आप इसका इस्तेमाल करना छोड़ दें। अब बात कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, या फिर अगर आप खून को पतला करने की कोई भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यदि महिला प्रेग्नेंट है तो भी इसका इस्तेमाल ना करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था लहसुन के अनगिनत फायदों का फुल रिव्यू, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी सभी प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, उसका फुल रिव्यू। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।